वृक्ष लगाओ, और वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। एक नई रिवाज बताती हूँ, शायद किसी के वहाँ तो होगी ये रिवाज, हमारे वहाँ भी है ये रिवाज। जैसे आज हरेले का त्यौहार है, किसी के घर पे हरेले का त्यौहार नहीं लगता है, जैसे कि चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हरेला है तो सबसे पहले आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को हरेली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। हरेला का त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सभी जगह हरेला काट रहे होंगे, त्यौहार मना रहे होंगे, हमारे वहाँ तो हरेला होता नहीं है, क्योंकि पता नहीं पहले पुरानों से हरेला, ये वाला हरेला नहीं डालते हैं, हमारे वहाँ त्यौहार तो बनाते ही हैं। और आज हम भी त्यौहार बनाएंगे हरेला। हमारे दो हरेला होते हैं, एक असोज का हरेला, एक चैत्र का हरेला होता है। ये वाला हरेला पूर्वजों ने ही नहीं चलाया है, पता नहीं क्या कारण था, ये हरेला नहीं होता है हमारा। और अब मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो शुरुआत में सबसे पहले आज मैं अचार के लिए, जो हमने कल अचार का आम काटा था उसमें हल्दी और नमक मिला के रखा था, उसको आज हम सुखाने के लिए डालेंगे पहले बाहर। उसके बाद मैं मसाले तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मसाले दिन भर कभी लाइट भी नहीं रहती है, इसलिए सबसे पहले मसाले ही पीस देती हूँ भून के। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। अचार बनाने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने ये जीरा, काली मिर्च, राई सब एक साथ भून रही हूँ मैं। और यहाँ पर ये रखा है भूनने के लिए धनिया, और ये है सरसों रखा हुआ है, ये सौंफ रखा है। सबको भून के तब पीस दूँगी, उसके बाद तब अचार में मिक्स करना है। सारे मसाले पीस के तैयार हो चुके हैं। ये है सौंफ है, दरदरा ही पीसा है, और ये इसमें है काली मिर्च, जीरा और राई, और ये है सरसों, पीला वाला सरसों, और ये धनिया पीस के रख दिया है, क्योंकि सामान तैयार हो चुका है मटर पीस के। और अब अचार सुखाएंगे बाहर धूप में, क्योंकि मसाले इसलिए पहले तैयार कर दिए क्योंकि यहाँ पर लाइट का कोई भरोसा नहीं है। कल दिन भर लाइट नहीं थी यहाँ पर, इसलिए हमने जल्दी से मसाले पीस के तैयार कर दिए हैं। अब डालते हैं अचार सुखाने के लिए बाहर, जो मैंने यहाँ इनमें रखा हुआ है। ये ढक्कन खोल देंगे हम, इनमें दिखाएँगे कितना पानी बना हुआ है। बहुत सारा पानी बना है इनमें, जितना भी पानी छोड़ना था अचार ने छोड़ दिया है। ये देखिए नीचे से सारा पानी भरा है, ये हर बर्तनों में ऐसी होगा, पानी छोड़ दिया है उसने अपना सारा। और इनमें भी हैं, अभी सब बाहर डालते हैं धूप में। आज बहुत बढ़िया धूप आई है। इतना पानी है, देखो इतना पानी बन गया है इसमें, बहुत सारा पानी बना है। इसमें भी वही होगा, अब इनको रखते हैं हम बाहर धूप में। ये देखिए सारे आम धूप में फैला दिए हैं, सारे सुलटे कर दिए हैं, क्योंकि सुलटे तरफ इनमें गीला रहता है तो एकदम से सूख जाएंगे करके सारे सुखा दिए हैं। ये देखिए पलटा दिए हैं, मिश्रा जी लगे हैं तब से धूप में। मैंने अभी अभी कपड़े भी धो दिए हैं सारे। अब सारे आम सूख चुके हैं, इनको उठा के इनमें मसाला मिला देते हैं। मसाला मिलाने के बाद तब इनको रख देंगे पैक करके। ये देखो मसाले मिलाने लग गए हैं अचार में। ये लाल मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ा सा तेल डाल दिया पहले, तेल हमने पहले से गर्म करके रखा हुआ है इसमें ये। और यहाँ डाल दिया लाल मिर्च, और ये है मिक्स अचार मसाला है ये। ये मसाले डालने के बाद डाल रहे हैं कलौंजी। ये डाल रहे हैं हींग, कद अंदाजा डाल रहे हैं, हाँ डाल दिया। हींग भी पड़ता है इसमें। ये अब डाल दें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा काला नमक भी पड़ेगा इसमें, बस ये काला नमक भी डाल दिया।
अब जो हमने मसाला पीसा था, दरदरा बना रखा है पीस के, उसको डाल रहे हैं। धनिया पाउडर है ये, हरभगोई, ये पीला वाला सरसों डालेंगे, पीला सरसों भी जल चुका है। अब डालेंगे जो मैंने काली मिर्च और जीरा और क्या था इसमें, राई था थोड़ा सा, उसको डालेंगे। बाबू अब आ गई सौंफ की बारी लास्ट में। बहुत सारे मसाले डाल दिए हैं, बढ़िया सा अचार बन जाएगा, बिक्री करने के लिए है ये। एक बार स्वादिष्ट बनेगा तो हर कोई खरीदेगा इसे, क्योंकि कम मसाले डालेंगे तो स्वादिष्ट नहीं बनेगा वो। देखिए अब इसको मिक्स करते हैं, मिक्स कर रहे हैं ये मिश्रा जी, लगा रहे हैं पूरी ताकत अपनी, बढ़िया सा अचार बन जाएगा अभी देखना। मसालेदार अचार बिल्कुल, ये अभी दिखाऊंगी मैं जब सारा मिक्स हो जाएगा उसके बाद। एक बार का मिला के इसमें रख दिया है बाल्टी में, अब दूसरी बार का यहाँ पर मिला रहे हैं ये। अभी हम तेल कम डाल रहे हैं और कल को ज़्यादा तेल फिर दोबारा डालेंगे। यहाँ पर खाने में गर्मा गर्म पूरियाँ भी बनने लग गई है और सब्जी बन के तैयार हो गई है। और ये मैंने आज नया डिश बना रही हूँ, एक लेथू बोलते हैं हमारे वहाँ, आटे को घोल के उसमें गुड़ मिला के बनाते हैं, ये मैंने मिक्स करके तैयार किया है, अभी इसको भी बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में। देखिए दो बाल्टी और पैक हो चुके हैं यहाँ पर, ये कुल मिला के तीन बाल्टी हो गया है। जी खाना भी बन के तैयार हो चुका है, ये सब्जी बनाई है मैंने लौकी और मूली आलू की, और ये बन गया है मेरा हलवा, बन के भी तैयार हो चुका है। देखो जो मैंने आटा मिक्स करके बना रखा था उस समय, उसी का हलवा है, बहुत ही टेस्टी होता है ये हलवा। और यहाँ पर पूरी भी बनी है, दो चार पूरी भी बना रखी है मैंने, अब हम भी खाते हैं खाना। दिन के 2 बजे हैं, अभी अभी हमने खाना भी खा दिया है, आज हमने बहुत देर में खाया खाना, क्योंकि ऐसे ही उलझ गए थे हम, कभी अचार बनाने में, कभी कुछ तो कभी कुछ, त्यौहार का दिन है, सभी कुछ बनाना हुआ, इसलिए हमने 2 बजे खाना खा दिया है हमने। और अब मैं आपको अपने वहाँ की एक नई रिवाज बताती हूँ, शायद किसी के वहाँ तो होगी ये रिवाज, हमारे वहाँ भी है ये रिवाज। जैसे आज हरेले का त्यौहार है, किसी के घर पे हरेले का त्यौहार नहीं लगता है, जैसे कि त्यौहार से पहले, एक महीने पहले, या कोई भी नया त्यौहार आने से एक महीने पहले, 2 महीने पहले कोई किसी के परिवार में एक्सपायर हो जाते हैं, तो जो फर्स्ट वाला त्यौहार आता है उसको वो नहीं पकाते हैं और त्यौहार नहीं बनाते हैं, और जो गांव के लोग ही उन्हें त्यौहार देते हैं। इसलिए आज हमारे गांव में भी त्यौहार देना है, बहुत से लोग हैं, अभी मैं भी पुड़िया बनाती हूँ, पूरी बना के, घर में त्यौहार नहीं लगता है तो उनके बच्चे खाएंगे करके और त्यौहार देते हैं, पूरी सूजी हलवा पुए जो भी बनाया है। अब मैं भी बना लेती हूँ पुड़िया, उसके बाद दिखाऊंगी मैं कहाँ को जा रही हूँ, क्योंकि आधा गांव इस तरफ को है तो वहाँ नहीं लगता है त्यौहार, और आधे लोग इस तरफ को हैं, दोनों तरफ को जाना है। अभी धूप भी लगी हुई है और देखती हूँ कहाँ को पहले जाती हूँ करके, पहले मैं पुड़िया बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं गाँव में। ये मैंने पैक कर दिया है पूरी देने के लिए, जो भी जहाँ जहाँ भी देने हैं, अब मैं जा रही हूँ। और रास्ते में बंदर होंगे करके एक लट्ठी भी ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक है, जहाँ भी देखो बंदर मिलते हैं रास्ते में, इसलिए मैंने एक बहुत बड़ी सी लट्ठी भी पकड़ दी है। देखिए अभी मैं इस तरफ को जा रही हूँ, पलखाव की तरफ को, पहले वहाँ को दे के आती हूँ और इस तरफ को तब दूँगी मैं। ये देखो उस तरफ से दे के हम इस तरफ को आ गए हैं, यहाँ पर तनुजा के घर पर आए हैं, इंदिरा भी है मेरे साथ, अभी मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। हेलो, थक गए आज हम दिन भर। ये देखिए हम बहुत थक गए थे जाते जाते, अब तनुजा ने चाय बना दी है, हम चाय पीने लग गए हैं यहाँ पर, अब यहाँ से सीधे घर जाएंगे हम, हो गया है बस।
ये तो हाँ बानर का खाई चाहिए। तो अभी अभी गांव में त्यौहार देने के बाद घर आई हूँ। घर आने के बाद फिर से जाती हूँ मैं, दुग्ध उत्पादन समूह वालों की मीटिंग है पंथकोला में, वहाँ पर जाना है मुझे और वहीं जाती हूँ। अब मैं पहुँच गई हूँ मैं मीटिंग में, दुग्ध उत्पादन वालों की मीटिंग हो रही है यहाँ पर। मच्छर तो लगने को आप वीडियो बड़ो क्यों मच्छर खाने पर आप क्या करने एक कमला खाली भैया एक कमला एक ऐसे घास उल्टे लिए भैया तो बोलो रो घास उल्टे दे हिटो पर लगाओ पेड़। अब पेड़ लगाते हैं, फूलों को लगाओ फलों को लगाओ लगाओ आप बोर्ड लोग बोल ए बोल आरती कटेल पे तो हांग हांग लग जाए नी हांग आजकल हाँ सब कहीं चीज देखिए। आज हरेला पर्व पर हम यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं, सब ने अपने अपने हाथों में पेड़ पकड़े हुए हैं और कुदाल लेके ये देखो दुग्ध उत्पादन समूह वाले हैं सब ये। मैं कुदाल वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ। जो तू पेड़ लगा ला वो तो बढ़िया ठंड हो गर्मी नहीं हो। देखिए यहाँ पर हमने पेड़ लगा दिए, फूल के पेड़ लगा दिए सब मिल के। यहाँ पर मीटिंग थी इनकी दुग्ध उत्पादन वालों की। तुम मेरे साथ आता हो खड़ा रहा पास में पांच साल हम तो दगड़ा साथ हम तो सब सारा समूह सुन रही हो। चलो एक इसको लगा दो लो आओ पा हां हमारा समूह जिंदाबाद तुम्हारा समूह पर्यावरण बचाना हो तो भला दिन करो तुम मीटिंग। ये देखिए मैं भी ले जा रही हूँ फूल के पेड़ सब ले जा रहे हैं अपने अपने हाथ में फूल के पेड़ दिखाई नहीं लिया उन्हें समस्या है घर मीटिंग में से आ रहे थे हम और बारिश लग गई रास्ते में। अब भीगते हैं हम भीग गए अब हम अब भीग गए सब भीगने पर छिल आज हरेला है तो हरेले के दिन हमेशा हम लोग पेड़ लगाते हैं। पेड़ की टहनी भी काट के आज के दिन लग जाती है, इसलिए घर में बारिश में तो भीगी हूँ मैं मीटिंग से आते समय, और दो चार पेड़ मैं भी लगा देती हूँ अपने घर में। टहनी लगा रही हूँ भैया आज के दिन टहनी भी लग जाती है क्योंकि हरेले का दिन जो होता है उस दिन टहनी काट के भी लगाओ तो वो भी लग जाता है। जैसे टहनी की कटिंग करी है डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को भीग चुकी हूँ मैं पूरा भीग गई हूँ। और भीगते हुए भीग के आई थी मैंने सोचा पेड़ लगा देती हूँ, तब मैंने कुदाल निकाल के पेड़ लगा दिया है। आज हरेले के दिन पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देश बचाओ पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ, सभी लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं आज के दिन। आज के दिन पेड़ क्या टहनी भी लग जाती है और मैंने भी लगा दी है चार पेड़ पाँच पेड़ लगा दिए हैं। और अब बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई है। आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरी लाइक
आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा करके। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।